ओझा सर की बातों में मैं कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि ओझा सर सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं राय तो दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। चूंकि अवसर उनको भी मिलना चाहिए, दलित को अगर हम समानता की बात करते हैं तो उसे अवसर देना होगा, और उस अवसर में दलित को प्रधानमंत्री बनना। 2024 में प्रधानमंत्री कौन होगा इसको लेकर लोग डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अवध ओझा सर हैं जो UPSC के बच्चों को पढ़ाते हैं, इतिहास बहुत दिलचस्प तरीके से पढ़ाते हैं। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अब देश को दलित प्रधानमंत्री मिल जाना चाहिए, और उन्होंने इशारा किया चंद्रशेखर आज़ाद रावण की तरफ, जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी ग्राउंड पे रहते हैं। और हमारे साथ आज एक और सर हैं जो IAS के बच्चों को पढ़ाते हैं, संयोग से ये भी ब्राह्मण ही हैं, और हम दलित के बारे में बात करने जा रहे हैं। हरिंद पांडे सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। देखिए मेरा सवाल है, हाँ, बिल्कुल आप सवाल करिए। 1977 का वो साल जब देश को दलित PM मिलने वाला था बाबू जगजीवन राम जी के रूप में, लेकिन संयोग हुआ मोरारजी देसाई साहब PM बन गए, और आज तक आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी देश को दलित PM नहीं मिला। सर आप क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी, क्योंकि सर इसकी चर्चा हो रही है। देखिए सबसे पहली बात कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है बोलने का, चुनने का, चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का, चुनाव लड़ने का और चुनाव जीतने का, ठीक। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है अपनी बातों को रखने का, विरोध करने का, समर्थन करने का, चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का और प्रतिनिधित्व करने का। तो हमारे यहाँ रिजर्वेशन की एक पॉलिसी है, रिजर्वेशन की पॉलिसी में कहा जाता है कि समानता का अधिकार, माने समान सब लोग हों, तो समानता के लिए आपको अवसर देना बहुत ज़रूरी होता है। तो देश में अगर दलित प्रधानमंत्री आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी इस बात का, मैं अब पता नहीं कि सामने वाले मुझे किस व्यू में लेंगे, क्या ये मत सोचिए सर, यही तो निष्पक्ष राय होती है। अगर आप ये सोचेंगे कि सामने वाला मुझे क्या सोचेगा तो फिर आप राय नहीं रख पाएंगे। मैं राय तो दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। चूँकि अवसर उनको भी मिलना चाहिए, ठीक है ना, उनका भी यदि लोकतांत्रिक अधिकार है, वो भी इस देश के लोकतंत्र में उतना ही अपने भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं जितना मैं सुनिश्चित करता हूँ। मैं जनरल हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी भागीदारी है, वो दलित है उनका भी भागीदारी है, तो कोई दो राय नहीं है, दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन ओझा सर ने ठीक कहा, चंद्रशेखर रावण को, ओझा सर की जहाँ तक बात है, ओझा सर की बातों में मैं कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, चूँकि ओझा सर सर्वश्रेष्ठ हैं और हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत ज्ञानी हैं। उनकी बताई हुई बातों से मैं खुद उन लोगों से सीखता हूँ। ओझा सर हो गए, विकास देवी कीर्ति सर हो गए, और भी जो लोग UPSC की तैयारी करा रहे हैं, इन सब से मैं, इन सबको मैं सुनता हूँ और उन सब से सीख के, और मैं भी कुछ ना कुछ उन्हीं के जैसा करने की कोशिश करता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि अगर ओझा सर ने कुछ कहा है तो अच्छा ही कहा होगा, और अच्छा क्या, ये तो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक अधिकार है, तो लोकतांत्रिक अधिकार है तो चुनाव लड़ना चाहिए, जीतना चाहिए। को अब कम शब्दों में बता दूँ कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से सबका अधिकार है, दलित दलित कहने से नहीं होगा, दलित को अगर हम समानता की बात करते हैं तो उसे अवसर देना होगा, और उस अवसर में दलित को प्रधानमंत्री बनना है तो कोई बेकार। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी भी है बिल्कुल, और आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, क्योंकि देखिए हर तरफ से, हालांकि ये बच रहे हैं नाम लेने से, अपनी मजबूरी भी होती है, कोई बात नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोग समझदार हैं, आप लोग बताइएगा ज़रूर, क्या आप देश को एक दलित प्रधानमंत्री मिल जाना चाहिए, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपकी राय मैं जानना चाहूँगा, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ भैया, देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।